Good morning, children. In our last class, we have done multiplication of three digit numbers and four digit numbers with three digit and four digits. Clear? If there are two numbers in multiplier, then we will solve only two steps. If there are three numbers in multiplier, then we will solve three steps clear today we are going to do word problems based upon multiplication let us start example number first what will be the cost of 105 watches if the cost of one watch is rupees 1175 statement is के एक वॉच की कॉस्ट है वन थाउजेंड वन हंड्रेड सेवेंटी फाइव आपने कैलकुलेट करना है कि वन हंड्रेड फाइव वॉचेस की कॉस्ट कितनी होएगी वी विल राइट इट एज कॉस्ट ऑफ वन वॉच एक वॉच की कॉस्ट वन थाउजेंड वन हंड्रेड सेवेंटी फाइव कॉस्ट ऑफ वन हंड्रेड फाइव वॉच अगर हमें एक वॉच की कॉस्ट गिवन है और हमने ज़्यादा वॉचेस की कॉस्ट पता करनी है देन वी विल डू मल्टीप्लाई नाउ वी हैव टू नंबर्स फर्स्ट इज़ ऑफ मल्टीप्ली कैन एंड इट इज़ ऑफ फोर डिजिट नंबर्स सेकेंड इज़ कॉल्ड मल्टीप्लायर विच इज़ ऑफ थ्री डिजिट नंबर्स मीन्स अगर मल्टीप्लायर में थ्री डिजिट्स हैं तो हम क्या करेंगे वी विल सॉल्व थ्री स्टेप्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट स्टेप क्या है कि मल्टीप्ली को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना सेकेंड स्टेप फिर मल्टीप्लायर मल्टीप्लिकैन को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करना है फिर मल्टीप्ली को वन से मल्टीप्लाई करना है नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस सम विदाउट यूजिंग स्टेप्स मैं यहाँ स्टेप नोट नहीं करूँगी लेकिन आप स्टेप सॉल्व करके सम सॉल्व कर सकते हो लेट अस डू 5, 5 is 25, we will write 5 here and 2 will carry over 10's place. 5, 7's are 35 plus 2, 37. 3 will carry over 100's place. 5, 1's are 5 plus 3, 8. 5, 1's are 5. Clear, what we have फाइव को इस नंबर से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड सेवेंटी फाइव नेक्स्ट स्टेप ये मास्ट फर्स्ट स्टेप था सेकेंड स्टेप में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मार्क क्रॉस साइन हेयर देन मल्टीप्लाई मल्टीप्ली कैन बाई जीरो वन थाउजेंड वन हंड्रेड सेवनटी फाइव जीरो से मल्टीप्लाई जीरो फाइव सा जीरो तो आपने ये नंबर को प्लेस वाइज ही सेट करना है फाइव के नीचे क्रॉस सेवन के नीचे जीरो सेवन जीरो अगेन एट के नीचे जीरो आएगा जीरो जीरो फाइव के नीचे जीरो आएगा जीरो वन जा जीरो अलग से आप जीरो शो करोगे क्लियर नेक्स्ट वी विल मार्क डबल क्रॉस हेयर थर्ड स्टेप इज़ टू मल्टीप्लाई वन थाउजेंड वन हंड्रेड सेवेंटी वन फाइव ज़ा वन सेवन जो सेवन वन वन ज़ा एंड वन वन जन अगेन क्लियर ये नंबर प्लेस वाइज ही सेट होने चाहिए ऐसे फ़ाइव के नीचे क्रॉस आया है सेवन के नीचे ज़ीरो एंड क्रॉस एट के नीचे ज़ीरो फाइव फाइव के नीचे ज़ीरो सेवन नेक्स्ट ज़ीरो वन एंड वन अदरवाइज़ सम क्या होगा रॉन्ग नाउ लास्ट में वी विल एड दीज वैल्यूज़ फाइव प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो फाइव सेवन प्लस जीरो प्लस ज़ीरो सेवन एट प्लस ज़ीरो एट प्लस फाइव थर्टीन थर्टीन का थ्री विल बी रिटर्न अंडर हंड्रेड्स प्लेस एंड वन विल कैरी ओवर थाउजेंड्स प्लेस फाइव प्लस सेवन ट्वेल्व plus 1 13 13 ka 3 will be written under thousands place and 1 will carry over 10000s place 1 plus 0 1 plus 1 2 next 1 so answer is which is called product answer is one 123375 सो सो कॉस्ट ऑफ कितने की कॉस्ट कैल्कुलेट करनी है वन हंड्रेड फाइव वाचेज की सो द कॉस्ट ऑफ वन हंड्रेड फाइव वॉचिस इज वन लैख ट्वेंटी थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड सेवेंटी फाइव क्लियर वन लैख ट्वेंटी थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड सेवेंटी फाइव नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़ एग्ज़ाम्पल नंबर टू अ रिम ऑफ पेपर हैज़ फोर हंड्रेड सेवेंटी फाइव शीट्स एक पेपर का रिम है उसमें शीट्स हैं फोर हंड्रेड सेवेंटी फाइव हाउ मनी शीट विल बी देयर इन वन हंड्रेड नाइन्टी रिम्स एक रिम में शीट्स हैं फोर हंड्रेड सेवेंटी फाइव तो ऐसे हमारे पास वन हंड्रेड नाइन्टी रिम्स हैं उसमें हमने शीट्स कैलकुलेट करनी है कितनी होंगी तो हमने टोटल शीट्स कैलकुलेट करनी है 190 में कितनी शीट्स होंगी वी विल मल्टीप्लाई बोथ दिस नंबर्स ईच रेम हैज 475 शीट्स 190 हंड्रेड रेम विल हैव तो 190 हंड्रेड रेम में कितनी शीट्स होंगी वी विल मल्टीप्लाई बोथ दिस नंबर्स नाउ फर्स्ट स्टेप इज टू मल्टीप्लाई जीरो बाय 475 ज़ीरो फाइव ज़ा फाइव जीरो फ़ाइव ज़ा ज़ीरो जीरो सेवन ज़ीरो जीरो फोर ज़ा ज़ीरो ना वी विल मार्क क्रॉस साइन हेयर सेकेंड स्टेप नाइन से फोर हंड्रेड सेवेंटी फाइव को मल्टीप्लाई पहले नाइन को फ़ाइव से फिर नाइन को सेवन से नाइन को फोर से नाइन फाइव ज़ा फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव का फाइव विल बी रिटर्न हेयर एंड फोर विल कैरी ओवर हंड्रेड्स प्लेस नेक्स्ट फोर विल कैरी ओवर हंड्रेड प्लेस नेक्स्ट नाइन सेवन जा सिक्सटी थ्री प्लस फोर सिक्सटी सेवन सिक्स विल कैरी ओवर हंड्रेड प्लेस नाइन फोर जा थर्टी सिक्स प्लस सिक्स फोर्टी टू नाउ थर्ड स्टेप के लिए डबल क्रॉस वन को से मल्टीप्लाई वन फाइव जा फाइव 1 7 the 7 1 4 the 4 now we will multiply now we will add 4 0 0 0 0 plus 5 5 7 plus 5 12 plus 0 12 now one will carry over 1000th place 7 plus 2 9 plus 1 10 1 will carry over 10000 place 4 plus 4 Four plus four, eight plus one, nine. Answer is ninety thousand two hundred fifty. So ninety thousand two hundred fifty shades will be there in one hundred ninety rims. Clear? मल्टीप्लीकेशन में आपको स्टेटमेंट ऐसे आएंगी किसी एक चीज की कॉस्ट या वैल्यू गिवन होती है और आपको ज्यादा की कॉस्ट या वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है क्लियर यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन के एडिशन का सम है सब्ट्रैक्शन का है डिवीजन का है या मल्टीप्लीकेशन का क्लियर नाउ वी विल सॉल्व वर्ट प्रॉब्लम अंडर एक्सरसाइज फोर पॉइंट थ्री स्टेटमेंट फर्स्ट इज़ द कास्ट ऑफ वन के जी राइस वन के जी राइस की कॉस्ट है रुपीज़ वन हंड्रेड सिक्सटी वन तो हमने ज़्यादा के जी राइस की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है कितने की फाइंड द कास्ट ऑफ सिक्सटी एट के जी ऑफ राइस वन के जी की वन हंड्रेड सिक्सटी वन है तो सिक्सटी एट के जी की कितनी होएगी we will multiply both these values i haven't written statement of the word problem sum as it is given in your book on page number 40 now let us solve the cost of 1 kg rice 161 the cost of 68 kg rice we will multiply both these values it's multiplicand is of two digit numbers. So, we will solve two steps only. First step, to multiply 161 by 8. 161 ko 8 se multiply karenge. 8 ones are 8. 8 six are 48. 48 ka 8. Yeah. and 4 will carry over 100's place. 8 ones are 8 plus 4, 12. Next, cross sign here. वन हंड्रेड सिक्सटी वन को सिक्स से मल्टीप्लाई सिक्स वन जिक्स सिक्स सिक्स ज थर्टी सिक्स थ्री विल कैरी ओवर हंड्रेड्स प्लेस सिक्स वन सिक्स प्लस थ्री नाइन ना विल ऐड दीज वैल्यूज एट प्लस ज़ीरो एट एट प्लस सिक्स फोर्टीन वन विल कैरी ओवर हंड्रेड्स प्लेस सिक्स प्लस टू एट प्लस वन नाइन नाइन प्लस वन टेन सो कॉस्ट ऑफ सिक्सटी एट के जी ऑफ राइस कितनी कॉस्ट होगी सिक्सटी एट के जी राइस की टेन थाउजेंड नाइन हंड्रेड फोर्टी एट क्लियर नक्स्ट स्टेटमेंट इज सेकेंड अ मैथ नोटबुक हैज मैथ की नोटबुक के पेजेस कितने हैं वन हंड्रेड सेवेंटी नाइन हाउ मैनी पेज विल बी देयर इन नाइनटी टू सच नोट बुक्स तो मैथ की नोटबुक के पेज कितने वन हंड्रेड सेवेंटी नाइन तो ऐसे ही हमारे पास नाइन्टी टू नोट बुक्स हैं उनके हमने पेजेस कैल्कुलेट करने हैं तो वी विल मल्टीप्लाई बोधिज वेल्यूज सेकेंड सम नंबर ऑफ पेजेस इन वन मैथ नोटबुक वन हंड्रेड सेवेंटी नाइन नंबर ऑफ पेजेस इन नाइन्टी टू Such notebooks into 92. So, multiply candies of 2 digit number. So, we will solve 2 steps. First step, to multiply 179 by 2. 179 ka 2 say multiply. 2 nines are 18. 1 will carry over 10's place. 2 7's are 14 plus 1, 15. 1 will carry over 100's place. 2 1s are 2 plus 1 3. Now cross we will my cross sign here 179 ko 9 se nine multiply 9 nine are 81. 8 will carry over 10s place 9 seven are 63 plus 8 71. 7 will carry over 100s place. 9 ones are 9 plus 7, 16. Now we will add these values place wise 8 plus 0, 8. 5 plus 1, 6. 3 plus 1, 4. 6 as it is, 1 as it is. So 16,468 pages will be given, will be there in 92 such notebooks. Clear? नेक्स्ट आई एम गोइंग टू सॉल्व सम नंबर फोर्थ एज इट इज़ डिफरेंट फ्राम अदर टू समॉल फैक्ट्री मेक्स फोर हंड्रेड फोटीन डॉल्स एवरी मंथ एक डॉल फैक्ट्री है वो डॉल्स बनाती हैं एक मंथ में कितनी फोर हंड्रेड फोर्टीन हाउ मैनी डॉल्स विल इट मेक इन थ्री ईयर्स थ्री ईयर्स में कितनी डॉल्स बनाएगी number fourth is every month a factory makes number of dolls is equal to 414 dolls in three years how many months in one year is equal to 12 and months in three years is equal to 12 into 3 36 months one year mein kitne month hai? 12 or three years may, 12 into 3, 36 months a factory makes is equal to we will multiply 414 by 36. Multiplier is also of two digit number. So we will solve two steps only. First is 414 cos 6 a multiply. 6 4s are 24. 2 will carry over 10's place. 6 ones are 6 plus 2 8 6 fours are 24 next mark cross sign here or you may write 0 here 3 4s are 12 1 will carry over our tens place 3 ones are 3 plus 1 4 3 4s are 12 now we will add these values 4 plus 0, 4. 8 plus 2, 10. 1 will carry over 100s place. 4 plus 4, 8 plus 1. 9, 2 plus 2, 4. 1 as it is. So, a doll factory makes 14,904 dolls in 3 years. Clear? Now, sum number 7. अब बस ट्रैवल्स टू हंड्रेड फिफ्टी टू किलोमीटर इन वन डे एक बस ट्रैवल करती है वन डे में कितने किलोमीटर टू हंड्रेड फिफ्टी टू हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन वन ईयर तो वन ईयर में कितना डिस्टेंस कवर करेगी सम नंबर सेवंथ इज डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इन वन डे वन डे में कितना डिस्टेंस कवर होता है टू हंड्रेड फिफ्टी टू किलोमीटर Distance covered by bus in one year. How many days in one year? 365. So we will multiply both these values as it is of three-digit number. So we will we have to solve three steps. First step is to multiply 252 by 5. 5 to the 10. 1 will carry over 10's place. 5, 5 is a 25 plus 1, 26. 2 will carry over 100's place. 5 to the 10 plus 2, 12. Second, 6 to the 12. 1 will carry over 10's place. 5, 6 a 30 plus 1, 31. 3 will carry over 100's place. 6 to the 12 plus 3, 15. Second step, third step.

so the distance covered by bus in one year is equal to 91980 km clear so in exercise 4.3 there are 8 sums and i have solved here only four sums sum number 1 2 4th and 7th you have to solve sum number 3rd and 5th as a classwork and 6th and 8th as a homework. Clear? Before solving these sums in your notebook number 1, first of all, understand these sums clearly and then note it down in your notebook. Thank you.